एंड बेटर कोऑर्डिनेशन करके प्रोटेक्शन, क्योंकि वी आर कोर, हम लोग फिजिकली तो कनेक्टेड है नहीं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी मेक श्योर कि हमारा जो इंडिया का रीजन है वो प्रोटेक्टेड रहे यहाँ पे। तो बोले ओके तो फिर वो बोले कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे कितने क्या मॉडल है, व्हाट इज द मॉडल इन अंडमान एंड निकोबार। तो मैं बोला कौन सा मॉडल पूछ रहे हैं ये, तो बोले मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो मैंने बोला सॉरी सर आई डिड नॉट गेट यू। तो वो सेड देन ही, तो एक्चुअली दिस वॉज गुड, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि क्या पूछे, मैंने आपको बोला तो आपको समझ में आया क्या पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी और अ स्टेट। तो मैंने बोला सर आई थिंक इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। सो ही सेड व्हाट जेंटलमैन डू यू थिंक इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो मैंने बोला सॉरी सर इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, आई 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 नो इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। सो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, और जो आपका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, स्लिप क्या आप आसानी से बोल देते हैं दोस्तों के साथ आई थिंक आई, ये सब जो वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टाइट होकर इंटरव्यू नहीं देना, कैजुअल वर्ड्स मेरे काफ़ी फ्लो करते हैं और कैजुअल वर्ड्स को डिफेंड करना इंटरव्यू में सबसे डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये आई थिंक निकल गया तो ये कैजुअल वर्ड है, इट शोज़ अ बैड इंप्रेशन राइट, यू कांट बी जस्ट थ्रोइंग कैजुअल वर्ड्स इन इंटरव्यू। अभी तो मैं आपके साथ बोल सकता हूँ बट इन इंटरव्यू यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस ऑफ, फिर भी निकल जाता है तो उसमें सॉरी बोल दीजिए। अब निकल गया तो क्या करें, तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा कि सॉरी सर आई नो इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। देन ही आज द क्वेश्चन, जो कि मेरा मुझे लगा कि मेरे मेरे पे ग्रेड से ऊपर का क्वेश्चन था। तो उन्होंने बोला कि ये बताओ कि यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर है, हाउ इट इज़ गवर्न्ड। तो मैंने बोला हाउ इट इज़ गवर्न्ड सर, सो व्हाट इज द मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो मैंने बोला सर इट इज़ गवर्न्ड इन अ सिमिलर वे कंपेयर टू अदर यूनियन टेरिटरीज बट नॉट लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो बहुत अजीब टाइप का मैंने बोला, नॉट लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो मैंने बोला सर देयर लेफ्टिनेंट गवर्नर इज देयर, हेयर इज ऑल्सो सम पर्सन फ्रॉम सेंटर, आई डोंट नो, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड याद ही नहीं आ रहा था, ये सच्चाई है। अब मैं बोल दूँ कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बोल दिया ये गलत होगा। मैंने बोला सर आई डोंट रिमेंबर वॉट ही इज कॉल्ड बट द मॉडल इज स्लाइटली डिफरेंट, हेयर इज नो चीफ मिनिस्टर, हेयर इज समवन हु इज सिमिलर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द प्रेसिडेंट, मतलब सेंटर से इलेक्ट होके आता है। तो उन्होंने कुछ, अब वो ना नोट करते थे ना वो बोलते थे कि गलत बोल रहे हो, गलत बोलने में बोल देते थे तो मुझे क्या पता चले कि क्या हो रहा है, पर मुझे लगा कि ये आंसर तो सही है। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे, पूछा कि अच्छा ये बताओ वहाँ का कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने पूछा था आरबीआई वाले ग्रुप पे भी जब मैंने इंटरव्यू का किया था, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट, इज देयर एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ये, क्योंकि वो तो यूनियन टेरिटरी इट इज गवर्न विद द सेंटर। तो मैं सोच में पड़ गया, तब आप लोग आंसर दीजिए जो भी देख रहे हैं वो देखें इन कमेंट। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ और मैं जो सोच रहा था मैं बता देता हूँ। मुझे लगा हे भगवान आज तक मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, उस दिन वैसा ही फीलिंग आता है, पहली बार मैं लाइफ में ठीक से सोच रहा हूँ कि क्या यूनियन टेरिटरी में कोई इलेक्टेड भी होता है, मैंने क्यों नहीं पढ़ा था ठीक से डीप में पॉलिटी को, इग्नोर क्यों कर रहा था, ऐसा फीलिंग आ रहा था बट आंसर नहीं आ पा रहा था मेरे से। तो आप तब तक आंसर बताइए, आपको क्या लगता है कौन होता है इलेक्टेड मेंबर है कोई वहाँ का, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है वो मत बताइए, जो पहली बार देख रहे हैं जिनको पता नहीं है इसका आंसर, दे कैन ट्राई एंड दे कैन गेस इफ देयर इज एनी इलेक्टेड मेंबर और नॉट। द क्वेश्चन इज क्लियर राइट, देयर इज अ नॉमिनेटेड हेड ऑफ द सेंटर बट इज देयर एनी इलेक्टेड मेंबर पर्टिकुलरली इन अंडमान एंड निकोबार। या तो मुझे आंसर दिख नहीं रहा है लोगों का, आज मेरे सामने लैपटॉप नहीं है, आज मैं अपने बरंडा में बैठा हुआ हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कोई आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। आई कैन सी पीपल आर वॉचिंग बट इफ दे आर गिविंग द आंसर आई डोंट नो। एनी वन वॉन्ट टू ट्राई, एंड इफ दे वुड हैव ट्राइड आई माइट बी रिसीविंग अ डिलेड फीड ऑन माई फेसबुक, देयर फॉर आई एम नॉट एबल टू सी। ठीक है तो मैं ही आंसर बता देता हूँ, अदरवाइज द वीडियो विल गो ऑन एंड ऑन, जल्दी से खत्म भी करना है। सो द आंसर, या आप अपना आंसर ढूंढ लीजिएगा, इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, मैंने गलत आंसर दे दिया ठीक है। इन द रियल कंडीशंस आई गेव अ रॉन्ग आंसर, इसका मैंने अपना बुतला दिया और मैंने गलत गलत आंसर दे दिया। तो वहां पे एक इलेक्टेड मेंबर होता है, तो मैंने बोला नहीं सर, पहले मैंने सोचा यार इलेक्टेड मेंबर होगा कोई एमएलए है, सुना है नहीं सुना है, ये सब ख्याल आते हैं दिमाग में, यही भूल गया कि एमपी भी तो हो सकता है। तो वहाँ का एक एमपी होता है, जो कि हर यूनियन टेरिटरी से एक एमपी होता है एक्सेप्ट फॉर दिल्ली जहाँ से 7 एमपी हैं, ये आके मैंने चेक किया। तो मैंने बोला सर कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, तो बोले आर यू श्योर, मैंने बोला हाँ सर 100% श्योर। तो बोले आर यू श्योर अगेन, मैंने बोला कि सर अब आई डोंट नो आई हैव टू सी, अगले बार मैंने ये बोल दिया बट आई थिंक देर इज़ नो इलेक्टेड मेंबर। बोले ओके फाइन ठीक है। तो
आई थिंक द लाइन ऑफ आइडिया वॉज ही वॉन्टेड मी टू डायरेक्ट टू कि तुम इलेक्टेड मेंबर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करोगे. ही वॉन्टेड टू आस्क मी दिस थिंग, इफ यू आर द डीएम देन यू हैव टू रिप्रेजेंट, तुम वहाँ की अथॉरिटी थोड़ी हो जाओगे अगर कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है तो. बट ठीक है, आई गॉट इट रॉन्ग. देन इट वेंट टू द सेकेंड वन. तो सेकेंड वन बोले कि अच्छा तुम ये बताओ तुम डीबी क्यों छोड़ना चाहते हो, तुम इतना पैसा मिल रहा है, मच मोर देन वट वी आर ऑल्सो गेटिंग, बट वाई आर यू लिविंग इट. तो मैंने वही कुछ बताना चाहा ये वो कि भाई ये है. मैंने बोला कि सर देखिए मैस्लोव का जो थ्योरी है उसमें कहा गया है कि नीचे के जो नीड्स हैं, मैंने पूरा मैं थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन लेके, तो मेरे नीचे के जो नीड्स हैं फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, ये सब पूरे हो चुके हैं. अब मुझे हायर लेवल ऑफ नीड्स लाइफ में तलाशना है. मैंने वो बेस क्रिएट कर दिया है अपने घर के लिए जिससे घर वाले भी अब खुश रहें. तो मेरा लाइफ का ये तमन्ना था कि जिस समय तक मैं नौकरी करता हूँ, तो हम थोड़ा गरीब घर से थे, तो मैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर को प्रोवाइड कर दूँ एक बार. और उसके बाद मैं एक्चुअली अब सोचिए, आप ही सोचिए कि मैं अब अगर पब्लिक सर्विसेज में जाता हूँ तो मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है कोई करप्ट होने का, मुझे कुछ भी गलत डिसऑनेस्ट करने का इंसेंटिव भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उतना पैसा बना चुका हूँ कि मुझे लगता है कि आई कैन, माई पेरेंट्स कैन इजिली लिव विद दैट. आई नेवर नीडेड लॉट ऑफ मनी. आई ऑलवेज बिलीव इन गांधी जी तलिस्मान कि सबसे जो गरीब आदमी हो उसके बारे में सोचो और तुम उससे वेल वर्स्ड हो. बट स्टिल फॉर माई पेरेंट्स आई थिंक आई हैव मेड देम डिसेंटली वेल ऑफ कि अब वो उतना से काम चला सकते हैं और मुझे कुछ सैलरी तो गवर्नमेंट देते ही रहेगी. तो ये वन ऑफ द रीजन्स है कि मैं आना चाहता हूँ. दूसरा कि मेरे पर्सनैलिटी में डिफरेंट डायमेंशन हैं, तो वर्क कैन नॉट डिफाइन माई लाइफ, लाइफ इज मच मोर देन वॉट आई एम वर्किंग. तो फाइनेंस मैं जो करता हूँ मैं अच्छे से करता हूँ. अगर मैं सर किसी को पढ़ाता हूँ, मैंने बताया आरबीआई पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं दिल से पढ़ाता हूँ. काम करता हूँ तो दिल से करता हूँ. तो सर जो अगला स्टेप मुझे लगता है कि मैं ये करूँगा तो वो बहुत दिल से करूँगा, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करूँगा और एक अच्छा सिविल सर्वेंट होकर दिखाऊंगा. एक इस टाइप से मैंने कुछ आंसर दिया था कि ये आंसर ठीक ठाक रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई तोड़ू आंसर नहीं था. फिर मैंने कुछ जैसे फ्रेमवर्क बनाए थे कि सर तीन चीज़ें होती है लाइफ में, जैसे सोल होता है, गोल होता है, होल होता है और रोल होता है. तो जो सोल ऑफ द लाइफ है उसमें अगर जो सोल है किसी भी जॉब का वो यही है कि आप लाइफ के गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पूरे होल लाइफ उसके तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं तो जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं सब वेस्ट है अगर आप सोल ऑफ द लाइफ की तरफ नहीं बढ़ पाते. तो इस तरह से मैंने बताया था. कि और भी मैंने कुछ कुछ बताए थे. CIC बनाया था मैंने, कॉन्टेक्स्ट इंटेंट कंटेंट. तो मैंने बोला कि सर अभी जो मैं जॉब करता हूँ उसका कंटेंट अच्छा है, पैसा अच्छा है, पर जो मेरा इंटेंट है लाइफ का वो बड़ा है. तो कॉन्टेक्स्ट देखिए ओवरऑल लाइफ का, तो मैं अगर ऑफर कर सकता हूँ ज़्यादा और मैं नहीं करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छा सिटीजन खो देगा अपना जो उसके लिए सर्व कर सकता था. तो ये सब रीजन है कि मैं आना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे ये जॉब बहुत लुक्रेटिव लगता है. तो व्हाट दे वांटेड टू अंडरस्टैंड वाज बिकॉज ऑफ आई थिंक गौरव जी इसका जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उनका ये इनिशिएटिव था कि कोई लोग ऐसा आ जाता है तो उनको ये लगता है कि प्राइवेट छोड़ के कहीं ये बेकार तो नहीं आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं है और ये बस कूद गया एग्जाम दे दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे वॉन्ट टू, वो टटोलना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है. तो मैंने सोच के गया था, मैंने वो बता दिया ये सब चीज़ें जो होती है. फिर मैंने और भी चीज़ें बनाई थी, ये भी एक दो चीज़ें मैंने अच्छा बोला था. जैसे मैंने बनाया था फ्रेमवर्क की पावर आपको मिलता है जिसे आप इम्पावर कर सकते हैं लोगों को, तो ये भी मैंने बोला ये चीज़. फिर मैंने बोला कि एक यूनिक जो जॉब है जिसमें आपको अथॉरिटी मिलता है और वो अथॉरिटी के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है. तो आज मैं जो मैं बोलता हूँ कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे सर अगर मैं पढ़ाता हूँ तो उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिल जाए, तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसको लार्ज स्केल पे, और पढ़ाना तो एक मेरा ये है, मैं उतना ही खुश होता हूँ जब मैं ओल्ड एज होम्स जाता हूँ, जब मैं एसिड विक्टिम्स के साथ में बैठता हूँ या उनको देखता हूँ. तो मुझे कहीं ना कहीं मैं पर्सन्स पीपल हूँ, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनसे सीखने को मिलता है. तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ और इनरिचिंग होगी अगर मैं और चीज़ें देखूंगा, वरना यहाँ पे थोड़ा नैरो ग्रोथ हो सकता है. तो इस टाइप से मैंने बड़ा आंसर दिया उनको, वो भी सुनते रहे, किसी ने मुझे कुछ काटा नहीं था वहाँ पे. मैं देता था तो वो लोग ध्यान से सुनते थे, अच्छे से सुनते थे, बड़ा बड़ा आंसर ही मैं देता हूँ जनरली. तो फिर वो बोले ठीक है ये बताओ कि तुम 10 साल बाद दोनों जॉब को कंपेयर करो. तो दोनों जॉब को कंपेयर करने के लिए उन्होंने बोल दिया. तो मैंने बोला भाई कि अब इधर से मैंने कंपेरिजन स्टार्ट किया कि सर मैं यहाँ पे रहूँगा 10 साल बाद तो मेरी सैलरी जो भी है 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी, 1 करोड़ को मैं क्रॉस कर जाऊँगा अगर मैं इधर रहता हूँ एनुअल सैलरी. अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रहूँगा ये नॉर्मल ट्रेंड है, इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम गेटिंग इट एवरी वन, या 1 करोड़ जो भी है जितना भी डिसेंट सैलरी हो जाएगी. अगर मैं इधर रहूँगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो मेरी ग्रोथ अच्छी, मतलब मैं तब तक कोई डायरेक्टर बन जाऊँगा, मैं कोई बड़ी टीम संभाल रहूँगा, मैं रिस्पेक्टफुल सिटीजन हो जाऊँगा, मैं कहीं 3 BHK या 2 BHK मुंबई या ऐसे शहर में ले लूँगा. मैं इस टाइप का ही बोल रहा था, मैं वो सब नहीं बोल रहा था.
और क्योंकि मैं फाइनेंस में 10 साल बिता चुका हूँगा, तो मेरा जो अगला स्विच होगा वो फाइनेंस में ही होगा। कहीं ना कहीं मैं लाइफ में काफ़ी सारा काम कर चुका हूँगा, तो मुझे लगेगा कि अगर मैं डिसेंट पैसा अर्न कर चुका हूँ तो मैं छोड़ दूँ अब जॉब और अब आराम से अपना परस्यू करूँ। पर क्योंकि मेरी सैलरी इतनी हाई हो जाएगी, हो सकता है शायद, तो मुझे लगेगा कि मैं जॉब कंटिन्यू करता रहूँ। तो ये सब सारे मेरे पास ख्याल आएंगे, ये सब होगा। अगर मैं इधर ज्वाइन करता हूँ तो मेरी सैलरी स्टार्ट होगी 56,326 रुपये से, वो बढ़ के मंथली सैलरी हो सकता है, अगर पे रिविजन आ जाएगा तो मेरी 1 लाख रुपये सैलरी पहुंचेगी मंथली सैलरी, तब तक 10 साल तक, या 1-1.5 लाख रुपये पहुंचेगी, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं होने वाली है। वो मुझे अच्छे से पता है कि यू सैलरी कट होगा। नंबर 2, कि मैं कोई गाँव में रहूंगा, मैं गाँव बेस्ड रहूंगा, मैं देखूंगा चीज़ों को, मैं नेचर के नज़दीक में रह रहा हूँगा, लोगों के बीच में होऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँगा, हो सकता है समझ रहा हूँगा चीज़ों को, कभी कभी लगता भी होगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, ये सब भी फीलिंग्स आ रहे होंगे। मैंने बिल्कुल इसमें ईमानदारी के साथ जो भी मेरा प्रोफाइल था, जो भी मुझे लगता था, आई जस्ट कन्वेड इट विथ होल हार्ट। मैंने उसमें कोई छुपा छूत की भावना नहीं रखी कि ये छुपा लूँ, ये बढ़ा के बोलूँ, ये ग्लोरीफाई कर दूँ। दैट इज समथिंग, अगेन माई ब्रदर वेन आई केम बैक ही सेड कि दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स टू से एंड एक्सेप्ट दिस थिंग। मैंने बोला सर कि और मुझे कभी मुझे बट ये सेटिस्फेक्शन जरूर होगा, जो कि सबसे प्राइमरी ड्राइवर है, कि मैं जो करना चाहता था लाइफ में, शायद मैं वो करने के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैं किसी के फोर्सफुल में नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जी रहा हूँ कम से कम, और उस जिंदगी के साथ मैं सर और लोगों की भी जिंदगी संवारने की कोशिश करूंगा, जितना भी मुझे अपना अंडर माई ज्यूरिसडिक्शन या यू कॉल इट अंडर वॉट एवर आई कैन डू एमबीएड में जो मैं कर सकता हूँ। तो वो कुछ बोलने वाले थे, उससे पहले मैंने उनको रोका, मैंने बोला कि सर वेट, बट देयर विल बी अ सिमिलैरिटी ऑल्सो। डिसिमिलैरिटी होगा, सिमिलैरिटी ही होगा कि सर मैं तब तक बूढ़ा हो चुका हूँगा, मेरे थोड़े से हेयर्स पक जाएंगे। मैंने सोचा कि कुछ फन मोमेंट होना चाहिए, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी होगा कि मैं शादी कर लूंगा, तब तक तो मेरा एक बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी होगी मेरे पास, हो सकता है, और मेरी एक वाइफ भी होगी। तो जॉब वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन करना मेरा प्रायोरिटी होगा। अभी मैं 12-13 घंटे जो मरा लेता हूँ, उतना मैं नहीं मराऊंगा। सो आई थॉट कि कुछ लाइट मूड बनेगा, बट नो, इवन आफ्टर सेइंग दिस कि ये वाला इंसिडेंट के बाद भी कुछ चेंज नहीं आया, रूम का माहौल सेम टू सेम रहा, सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, और पोकर फेस जारी रहा, लोग चलाते रहे गाड़ी, तो मुझे और डर लग गया यार कि अब मैं क्या करूं। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। अगर मैं बोलता हूं कोई चीज़ तो मैं क्योंकि बहुत दिल से बोलता हूं तो पीपल जनरली अप्रिशिएट इट, बट दे वेयर नॉन अप्रिशिएटिव, आई वुड से दैट, और आइदर दे वेयर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, दे वर जस्ट नॉट शोइंग एनी इमोशंस, बट आई सेड इट विथ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। देन इट वेंट टू मेंबर नंबर जो इधर मेरे बैठे हुए थे राइट हैंड साइड में, तो मैं उनकी तरफ घूम गया, भाई क्या वो पूछ रहे हैं तो उनको देखना चाहिए। मैं उन्हीं को फेस करता था, मैं बोर्ड कभी कभार सर को देखता था बीच में, ऐसे मैं उन्हीं को देख रहा था। तो बोले वो, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से लीडर की क्या क्वालिटी होती है। मैंने बोला अरे वाह, ये मिला है कोई जो कम से कम कुछ तो साइकोलॉजी रिलेटेड, डैफ तो ये लोग भूल ही गए मेरा लगता है, डैफ ये देखते क्यों हैं। और वो लोग ऐसे पूछते थे मुझसे, मेरे डैफ को नीचे देखते थे कुछ और फिर मुझसे पूछते थे, तो मुझे लगता था देखते क्यों हैं आप लोग यार, क्या देखते हैं वहाँ पे, जो मैंने लिखा है वो तो पूछते नहीं है, तो दिखाते क्या है कि आप कुछ देख रहे हैं उसमें। मुझे समझ नहीं आता था, और सर जो थे मेन सर, वो कुछ मार्किंग कर रहे थे, क्या कर रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ कुछ लिखे जा रहे थे, कुछ देखे जा रहे थे, मुझे लगा कुछ तो देख रहे होंगे। तो फिर दिस गाय स्टार्टेड विथ लीडर क्या होता है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो मिला कम से कम, एक रिलीविंग क्वेश्चन होता है ना। तो बोले कि लीडर की क्या क्वालिटीज होती है, तो मैंने बोला सर लीडर वो होता है जो कि अपने ग्रुप को मोटिवेट कर सकता है, जो कि खुद, ये देखिएगा मैं बोलूंगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट नहीं बोले, पर मैंने सोच लिया था कि मैं ये ही बोलूंगा, और मैं उससे बहुत खुश था इस आंसर से। लीडर वो होना चाहिए जो कि खुद काम सारा नहीं करता है, डेलीगेट करना जाने, और डेलीगेट करने के बाद ही शुड हैव अ सर्टेन, एक तो सबसे पहले विजनरी होता है, वो कुछ विजन देता है लोगों को, नंबर 1। नंबर 2 कि सारा काम खुद नहीं करता है, अगर वो सब खुद करने लगा तो एक अच्छा लीडर नहीं है, उसको डेलीगेशन आना चाहिए कि किस आदमी से किसके प्रोपोर्शनेट ही, हाउ मच ही कैन वर्क, ही शुड बी एलोकेटिंग द वर्क इन दैट प्रोपोर्शन। नंबर 3 की लीडर सबसे इंपॉर्टेंट, 3 ही 4 पॉइंट बोले, ये क्वेश्चन बहुत लोग से पूछा जाता है, बहुत लोग बहुत चीज़ बोलते हैं, बट मैंने ये नहीं बोला। मैंने तीसरा बोला कि सर लीडर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, और 1-2 पॉइंट बोला जो ऐसे ही बोला होगा कि लीडर को विजन होना चाहिए, लीडर मिशन मोड में होना चाहिए, लीडर लोगों को इंस्पायर करे और पॉजिटिवली इंस्पायर करे, नहीं तो सर आईसीएस और ये सब के भी लीडर होते हैं, बट वो पॉजिटिव इंस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। एंड सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग फॉर मी एज अ लीडर इज सम वन वन हिज ग्रुप इज एट द लोएस्ट पॉइंट, वेन द ग्रुप इज फीलिंग कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा गिवअप हो चुका है, जब ग्रुप फॉल करता है तो लीडर उनका हाथ पकड़कर उनको उठाए, उनको सही डायरेक्शन दे और फिर से उनको रीमोटिवेट करे, रीजुनिवेट करे। आई थिंक ही इज द रियल लीडर। नहीं तो अच्छा 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 चल रहा है, अगर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपने बेटे को दे दिया या बेटी को दे दिया कि मेरा कंपनी 100 बिलियन का है, आप भी 100 बिलियन का कंपनी ले लो, और वो 100 बिलियन को 110 बिलियन बना देता है, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि उसने 10 बिलियन का प्रॉफिट किया, आपको तो सब चीज़ खैरात या आपको सब चीज़ रेडीमेड मिली थी।
सो वेन एवरी थिंग वेन द सिचुएशन आर वर्स एंड वेन ही कैन रीमोटिवेट देम, दैट इज द ट्रू साइन ऑफ ए लीडर. इसका बोलने का मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था, लाइक आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस गांधी जी, तो मैंने बोला लाइक गांधी जी. आई विल एड ए कैविट, बिफोर माई प्रिपरेशन आई यूज टू बी अ वेरी, मतलब कि मुझे लगता था कि यार गांधी जी ने गलत किया, गलत किया, गलत किया, ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ. बट वाइल प्रिपेयरिंग मेरा भी मुन्ना भाई जैसा फीलिंग आ गया था, मुझे भी एक दो बार लगता था कि गांधी जी, मैंने हिस्ट्री में बोला है, मैंने लिखा भी है, मैंने बिपिन चंद्रा वाली बुक आधा पढ़ी थी, तो मुझे लगता था गांधी जी यार अच्छे ही आदमी थे, मतलब उनको सोच पाने के लिए, उनको जज करने के लिए तो मैं कोई हूँ ही नहीं. आई एम इन नो पोजिशन टू जज हिम. देयर आर पीपल हु जस्ट थिंक फ्रॉम देयर डायमेंशन, जितना उनकी लाइफ की सोच है, गांधी जी को समझ ही नहीं सकते हैं लोग. बट मुझे गांधी जी कुछ कुछ हद तक समझ में आने लगे थे कि अच्छा गांधी जी ने ये इसलिए किया था, ये इसलिए किया था, एंड बाय एंड लार्ज ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन विद अ वेरी गुड हार्ट. तो मैंने बोला लाइक गांधी जी. तो वो बोले अच्छा गांधी जी के बारे में क्या बोलोगे, तो मैंने बोला वेट सर वेट, मैंने रुकवा दिया उन्हें, मैंने बोला वेट सर अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं जब तक पूरा नहीं बोलूंगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी. मैं पहले से सोच के गया था कि पूरा बोल के आऊंगा, जो दिल में लगता है नंबर वंबर गया. तो मैंने बोला सर एक हिंदी में भी कहावत है कि लीडर को निडर होना चाहिए, तो ये मैंने एक लाइन हिंदी में बोला था. तो सर कहावत नहीं है, मैंने खुद से ही बनाया था, आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है. तो मैंने बोला सर हिंदी में कहते हैं कि एक लीडर जो होता है उसको निडर होना चाहिए, और निडर हर तरीके से होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में निडर होना चाहिए, आगे के कंसिक्वेंसेस को फेस करने के लिए निडर होना चाहिए, और एक स्टैंड लेने के लिए निडर होना चाहिए. तो अगर आप निडर हैं तो आप लीडर हैं, और अगर आप लीडर हैं तो आपको निडर होना चाहिए. तो ये दोनों कॉन्ट्रवर्स. अब बोल के बड़ा अच्छा प्राउड फीलिंग हुआ कि भाई बोला है, मतलब होता है ना अंदर से भी, आई ऑलवेज फील कि नहीं नहीं दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड विच विल बी इम्पैक्टफुल. बट भाई चल रहा था वो तो कहानी, गेम चल ही रहा है पोकर फेस का, तो वहाँ तो कुछ इम्पैक्ट पता ही नहीं चल रहा था उस दिन. तो देन तो उन्होंने बोला कि अच्छा गांधी जी आज के समय में क्या रेलिवेंट हैं, तो मैंने बोला यस सर ऑफकोर्स ही इज़ वेरी मच रेलिवेंट. तो बोले हाउ, तो मैंने यहाँ पे जो भी जो जनरल कन्वेंशनल आंसर्स हैं कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस, मुझे लगा कहाँ नॉन वायलेंस कहाँ चला रहे हैं लोग, कहाँ से लोग सच बोलना चाहते हैं, ऑनेस्टी स्टिल द बेस्ट पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ अस आर ऑनेस्ट. तो मैंने बोला नहीं मैं ये नहीं बोलूँगा, मैंने सीधे एकदम सीधे बोला कि सर गांधी जी ने 7 principles जो दिए थे, 7 sins ऑफ जो गांधी जी है, वो आज के समय में सबसे ज़्यादा रिलीवेंट हैं. तो उसका भी मैंने एक चिट कोड बनाया हुआ था, क्योंकि मैं एथिक्स में, मैंने बोला था मैंने एथिक्स में बहुत अच्छे से तैयारी की थी. तो मैंने बोला, तो बोले लाइक, तो मैंने बोला सर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, आई थिंक इस टाइप करूँ कि अब तो मैं भूल गया हूँ, मुझे याद आ जाएगा थोड़ी देर में. वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, देन नॉलेज विदाउट पावर, विदाउट नॉलेज पॉलिटिक्स, विदाउट प्रिंसिपल साइंस विदाउट, एंड एक इसी टाइप का है कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी है जो डिबेट चलता है. ये जो सातों सीन्स हैं या जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं, ये हर बार यूपीएससी में एस्से बन के आते हैं. और एक इसी तरह से था करप्शन, ट्रेड विदाउट मोरालिटी भी एक है, इस टाइप से आप याद करिएगा तो आपको सातों याद आ जाएगा. मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, WTO उसका कुछ एक तो है. तो मैंने वो 7 के 6 बोल दिए उस समय, और सातवां बोलने लगा सर आई एम नॉट एबल टू, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था. मैंने बोला सर वेट आई एम, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. 6 बोल दिया काफ़ी था, पर मैंने वैसे नहीं किया. तो फिर मुझे सातवां याद भी आ गया उस समय लकीली, तो मैंने वो भी बोला ही पूरा बोला, मतलब बोलने आया हूँ तो बोल के जाऊँगा, क्राइम मास्टर गोगो के जैसा मेरा अप्रोच था, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊँगा. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है भाई ये भी अच्छा है. उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बोला उन्होंने. फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप बैंक में काम करते हो, तो मैंने बोला हाँ सर मैं बैंक में काम करता हूँ. तो आपका आपका आपके बैंक के कितने ब्रांचेज हैं, तो मैंने बोला सर मुझे नहीं मालूम कि कितने ब्रांचेज हैं. तो मिनिमम कितना पैसा रखा जा सकता है बैंक में. नहीं, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि बैंक आप 1949 बैंकिंग एक्ट बताइए मुझे, कौन सा बैंकिंग एक्ट. तो मैंने बोला सर 1949 का एक बैंकिंग एक्ट है, क्योंकि मैंने RBI के लिए तैयारी की थी. तो बोला कि उसके प्रोविजंस बताइए, तो मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो द प्रोविजंस, आई जस्ट न्यू कि 1949 का वो है और 1934 का RBI एक्ट है बस. तो बोले कि कैसे तुम बैंक में काम करते हो तुमको नहीं पता. तब मैंने देखा अपने सर के सामने, सोनी सर के सामने, मुझे लगा ये कन्फ्यूज कर गए, इनको लगता है मैं रिटेल बैंकिंग में काम करता हूँ. तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए बोला और सबकी तरफ कि सर आई वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिटेल बैंक. क्योंकि अब यार पैनल को तो कंट्रोल सर नहीं ना कर सकते, पैनल का भी देखिए इन्वेस्टमेंट में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है. तो ही थॉट कि मैं बैंक में काम करता हूँ, कभी ये सामने भी नहीं आई बात कि ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है. तो मुझे लगा अब ये बता देना जरूरी है, तो मैंने ये चीज़ बता दी कि सर मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता हूँ. तो उन्होंने बोला अच्छा. फिर भी वो पूछने लगे कि आपके बैंक ने जनधन में कितना काम किया है. तो मैंने बोला क्या बोल रही है यार, ये मुझे बहुत फनी लगने लगा. तो मैंने बोला सर जनधन अकाउंट में क्या बोल रहे हैं आप. तो बोले कि जनधन में कितना लोग को जोड़े हो तुम लोग. तो मैंने बोला सॉरी सर वी डोंट डू जनधन थिंग्स. मतलब उस समय मुझे हंसी भी आ रहा था कि, लेकिन मैं हंसा नहीं, मतलब मैं थोड़ा स्माइलिंग था सर. मैंने बोला कि सर, तो बोले कि अच्छा ये बताओ वहाँ पे अकाउंट खुलाने के लिए कितना पैसा रहना चाहिए. तो मैंने बोला सर जनरल पब्लिक का तो अकाउंट नहीं खुलता है, HNI का खुलता है. तो बोले व्हाट इज HNI. तो मैंने बोला सर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं उनका अकाउंट रहता है. तो बोले कितना रहता है मिनिमम बैलेंस.
सर मैंने भी पता नहीं किया, मुझे पता लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई विल गो एंड चेक इट बैक। तो मैंने पहली बार ये बोला था, आई विल गो एंड चेक इट बैक व्हेन आई गो एंड ज्वाइन माई ऑफिस अगेन। तो मैं वो बोले ठीक है, बट बोले फिर भी तुमको पता होना चाहिए ये सब चीज़। तो मैंने बोला अब क्या बोलता है यार, अब ठीक है। मैंने बोला ठीक है सर, नहीं पता है मुझे ये सब चीज़। तो बोले कि एक, फिर उन्होंने सवाल पूछा, ये वाला पूछ दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कितना पैसा बनाई तुम्हारी बैंक पिछले साल। तो मैंने बोला कि सर 500 मिलियन का लॉस हुआ है ग्लोबली। तो बोले क्या? तो मैंने बोला हाँ सर यही है। अब मैं ये भी बोलने वाला था, हमारा सीईओ अभी फायर हो गया और नया सीईओ आ गया, बट वो सब नहीं बोला मैंने, वो सब नहीं बोलना चाहिए कभी भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस थिंग्स यू शुड नॉट बी टेलिंग। बट 500 मिलियन का लॉस है यार, वो तो आपका ऑफिशियल डेटा है, उसको तो मैं 500 के आसपास ही है जो भी है। तो मैंने बोला सर ये है, इतना लॉस हुआ है। तो बोले पर तुम्हें इतना पैसा क्यों देते हैं वो, ये गलत नहीं है, मोरली एथिकली गलत नहीं लगता है ना। दिस कुड हैव बीन अ ट्रैप क्वेश्चन, बट लकीली उस दिन भगवान और सरस्वती माँ दोनों मेरे मुंह पे तो सवार थी मैं आई वुड से। तो मैंने भी उसको दबा के बोल दिया कि सर देखिए ऐसा नहीं है, अब दो एलिमेंट होते हैं जो भी आपको बैंक में, इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसा मिलता है उसके दो एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है कि आपको आपका फिक्स पैसा मिलता है, दूसरा बोनस होता है। बोनस कंपोनेंट काफ़ी हाई होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, हुस एवर नो अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंक। नाउ सर देखिए बोनस जो है उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पुल कंपोनेंट, एक होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट। व्हाट इज पुल कंपोनेंट? अगर आपका पैसा, अगर पैसा अच्छा बनाती है बैंक तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता है पुल में, कि पुल में कैसा पैसा बना। तो सर वो तो ऑलरेडी हमारा 20% से घट के, जो भी जिस भी रेंज से घट के वो घट गया है, काफ़ी घट गया है एक्चुअली में, इट हैज़ डिक्रीज अ लॉट। दूसरा है इंडिविजुअल बोनस कंपोनेंट। तो सर अगर आप इंडिविजुअल टैलेंट को, एचआरएम में पढ़ाया जाता है सर एचआर में, कि अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो मैं भी बैंक छोड़ दूंगा, इंडिविजुअल टैलेंट छोड़ देगा। अब मुझे अगर मान लीजिए आपने अच्छा टैलेंट को आपने पैसा नहीं दिया और छोड़ दूंगा, तो उसे क्या होगा, अच्छे लोग छोड़ देंगे तो बैंक और लॉस बनाएगी, तो ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा। मैं इससे मैं विस्कस लिखता था लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि ये वीसीएस होता है। तो मैंने बोला सर एक वीसीएस साइकिल बन जाएगा, इससे और लॉस और लॉस, और अच्छे लोग छोड़ेंगे। तो यू हैव टू रिटेन सम टैलेंट ऑल्सो, देयर फॉर बैंक बैंक टेक्स अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ गिविंग मनी टू सम इंडिविजुअल्स एंड जनरली दे डू लाइक दिस। तो दैट वॉज आई थिंक ए गुड आंसर। अ बैड आंसर इन दिस केस वुड हैव बीन, माई ब्रदर टोल्ड मी ऑनेस्टली, कि इफ यू वुड हैव सेड कि अदर इन्वेस्टमेंट बैंक में भी उतना ही पैसा मिलता है, तो ये चूड़ा चकली आंसर है कि बाकी लोग को भी अदर इन्वेस्टमेंट बैंक में जो काम करते हैं उनको भी अच्छा ही पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे आपने जो बेसिक प्रीमाइस ऑफ द क्वेश्चन है यू नेवर टैकल दैट फैक्ट, राइट? यू हैव टू टैकल वाई द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, अभी उनको क्यों इतना पैसा दिया जा रहा है। तुम बोल रहे हो कि दूसरों को भी मिलता है इसलिए तुम्हें मिलता है, तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सो लकीली आई गेव हिम द एग्जैक्ट राइट आंसर जो होना चाहिए, जो इसका सबसे प्रिसाइज आंसर है वो यही है मेरे हिसाब से। तो सर इसलिए बैंक हमें पैसा देती है। और उन्होंने शुरू में पूछा था ये क्वेश्चन, भूल गया मैं, लीडर से मैं सबसे पहले बोला था लीडर आर बॉर्न और लीडर आर मेड। तो मैंने डायरेक्टली फिर से कोई चूड़ा चकली आंसर नहीं दिया, मैंने बोला कि सर देखिए साइकोलॉजी में हमने पढ़ाया गया है ये सिंपल, कि पहले जो थ्योरीज थी वो कहती थी कि लीडर में कुछ इनबॉर्न ट्रेट होते हैं, वो जन्मते हैं तो उनके पास कुछ ट्रेट होते हैं, बट उसको धीरे धीरे जैसे कि लोग देखने का कोशिश किए, लिंकन में ट्रेट, गांधी जी में ट्रेट, भगत सिंह में ट्रेट, कि इनमें क्या क्या जेनेटिकल ट्रेट्स हैं, बट ऐसा पाया गया कि ऐसा जनरली नहीं है। ट्रेट्स कुछ लेवल पे प्ले करते हैं, फिर जो सामाजिक जो भी कंडीशंस होता है, सरकमस्टांसेस होते हैं, दे आर ऑल्सो पीपल इवॉल्व एज अ लीडर। तो आई विल नेवर सर, सो बेसिकली आई टोल्ड हिम कि देयर हैज बीन अ कॉन्स्टेंट इवॉल्वमेंट इन द थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड नाउ द थ्योरी विच इज प्रोपागेटेड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज द लीडर्स हैव बोथ द काइंड ऑफ ट्रेड, देर आर सम ट्रेड्स विच आर इनबॉर्न ऑल्सो विच ऑल्सो हेल्प एंड देर आर सम विच आर एक्वायर्ड बाई द सर्कमस्टांसेज एंड द इन्वायरमेंट। बेसिकली देर इज एन इंटरप्ले ऑफ द जेनेटिकल फैक्टर एज वेल एज द इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो इस तरह से मैंने वो आंसर भी ठीक से निकाल दिया था। तो यहाँ तक मुझे भी अच्छा ही लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, बट द रियल शॉकर वॉज मैम। तो मुझे आरबीआई में जो मैम मिली थी वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ के निपटा दी थी, बहुत अच्छा प्यार से पूछी थी कि बिहार के 5 प्रॉब्लम बताओ। मैंने बोला था सर मैम मैं झारखंड का हूँ, स्टिल सी सेड यू आर बॉर्न इन बिहार ओनली सो यू शुड से अबाउट बिहार। तो मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे मैम ने मेरे तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, जो आई गेस था वो अच्छा नहीं था, मुझे डर लग गया उनको देखते के साथ। वो बोली आई जेंटलमैन आई हैव बीन हियरिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड अगेन व्हाई यू वांट टू लीव योर बैंक, यू आर सेइंग सो मेनी रोजी रोजी थिंग्स अबाउट योर वर्क प्लेस एंड स्टिल यू वांट टू लीव एंड ज्वाइन सिविल सर्विसेज, आई एम नॉट विद दैट एक्साइटेड, आई डोंट बाई दैट प्रोपोजिशन। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम यार अपने बैंक के बारे में कुछ बुराई नहीं करते हो, तुम्हें कुछ खराब नहीं लगता है और तुम आना चाहते हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है। मैंने बोला मैम ये क्वेश्चन मुझसे आपने अकेले नहीं पूछा है, जब एक बार मेरा और भी इंटरव्यू कहीं चल रहा था एक बार ऐसे ही बोला गया था, वो लोग भी यही बोले थे तुम यार डीबी छोड़ना ही नहीं चाहते हो, ऐसा लगता ही नहीं तुम डिसेटिस्फाइड हो। तो मैंने बोला मैम मैं झूठ, इसी तरह से मैंने वहां भी बोला था मैं यहाँ भी बोलूंगा,
ये वाला मैंने दिल से बोल दिया यार कि सच्चाई से, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इससे एक और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डेटा पता चलता है कि ये आदमी अपने आंसर्स कॉन्स्टेंटली सेम रखता है। मैंने उस जगह पे जो एक और भी बैंक में कभी मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ भी मैंने बोला था कि, और यही मैंने यहाँ भी बोला कि मैम मुझे कोई डिसेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ मैं अपने वर्क प्लेस पे। कई लोग हैं जो है डिसेटिस्फाइड हो कि ये एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, SBI में अच्छा नहीं लग रहा है तो RBI देना चाह रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं है, मैं कभी भी डिसेटिस्फाइड, और ये मेरे साथ रियल है। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप डिसेटिस्फाइड हैं तो गलत है, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, मैं 100% सेटिस्फेक्शन के साथ बैंक में रहता हूँ इन जनरल, लेकिन 100% सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं बोला मैंने, बोला मैम मैं डिसेटिस्फाइड नहीं हूँ बैंक से, ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए, यही मैंने बोला था, बट मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ ये गलत है। तो यहाँ पे आपका एक पोर्टर है, आई थिंक पोर्टर नहीं, लॉलर एंड पोर्टर नहीं, एक और भी जो थ्योरी है कौन सी है यार भूल रहा हूँ, अभी साइकोलॉजी में हर्ज़बर्ग का थ्योरी, आई थिंक हर्ज़बर्ग का है, आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, पबैड में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे टू सेटिस्फैक्शन डिसेटिस्फैक्शन थ्योरी है। तो डिसेटिस्फाई होने का मतलब होता है आपको बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम लगती हैं तब आप डिसेटिस्फाइड होते हैं। तो हर्ज़बर्ग, मैंने फिर से थ्योरी भी बोला कि मैम जैसे हर्ज़बर्ग इन साइकोलॉजी है सेड इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी कि आप डिसेटिस्फाइड नहीं होते फिर भी आपको जो पूरा सेटिस्फेक्शन चाहिए कभी ना कभी वो नहीं मिल पाता है आपको। तो मुझे लाइफ में लगता है कि मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से देर आर सेवरल अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर इक्वली सुटेड इन मी, आई एम सुटेड फॉर देम, आई शुड बी ट्राइंग देम आउट, सो देयर फॉर आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज द रोल, बट इफ यू वॉन्ट मी टू डू से बैड थिंग्स अबाउट द बैंक, सॉरी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैंने सीधे बोल दिया। और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को गरिया के कहीं जॉब लेना या कहीं कुछ करना, दैट शोज यू इन बैड लाइट, आपको गलत लाइट में दिखाता है वो चीज़। क्यों? क्योंकि ऐसे दिखाता है कि कल को तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे तो उसको भी बोलेंगे अरे यार यहाँ घटिया है, ये गलत है। यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट ऑन दीज लाइन्स, यू शुड नेवर से रॉन्ग थिंग्स अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा तो केस ही अलग है, मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही खुश हूँ, जब मैंने बताया यहाँ आके कि मेरा हो गया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने सबको आइसक्रीम भी बांटा था, सो दे आर वेरी हैप्पी विथ मी ऑल्सो लिविंग देम ऑन अ राइट नोट, ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, सो वी दिस रिलेशन इज म्यूचुअल एक्चुअली, दे हैव ऑल्सो हेल्प मी इनॉर्मसली। सो ये क्वेश्चन हो गया। फिर बोले कि तुम लंडन गए थे एक बार, तो तुम लंडन क्यों नहीं अच्छा लगा, तुम्हारा जॉब हो गया था, तुमने बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया था, आई वॉज सेलेक्टेड एज अ ट्रेडर इन लंडन, तो जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आप लोग देखे होंगे, मैंने नहीं देखा आज तक, बट आई वॉज सेलेक्टेड एज अ टॉप ब्रांड ट्रेडर वहाँ की, 2 साल पहले ही मुझे हुआ था, बट आई पोलाइटली डिक्लाइंड विथ टू रीजन्स, एक तो मैंने पहले बोला कि मैं जब एक बार लंडन गया था, ये रीजन है मेरा जेन्युइन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगा यहाँ पैसे तो बहुत दे रहे हैं, यहाँ पे वहाँ उस समय मिलता भी था, बट मुझे अपनापन फील नहीं हुआ था यार, मुझे कहीं ना कहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोग का ड्रीम है फॉरेन में रह के सेटल करना, कई लोग को अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, लोग उसके बारे में जब से उन्होंने DDLJ देखा है तो उनको लगता है फॉरेन ही है पूरा हेवन, इंडिया में तो सब बकवास है, बट मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने DDLJ से पहले स्वदेश देख लिया था, और मैं स्वदेश और परदेश दोनों मूवी अच्छे से देखा हूँ, शाहरुख खान की 2-3 ही मूवी अच्छी लगती है, परदेश, स्वदेश और चक दे इंडिया, और तीनों में ये फीलिंग मुझे साफ साफ क्लियरली आ जाती है कि भाई अपना देश अपना जहान है, जो स्वदेश का डायलॉग भी मैंने डाला था, इट्स लाइक योर ओन दिया गिविंग लाइट टू सम अदर हाउस, और उससे मैं बहुत कनेक्ट भी किया था। मैं वहां गया तो मुझे लगा यार ना मेरा अपना कोई आदमी है, ना मेरी माँ है, ना मेरे पिताजी हैं, मैं पैसा ये सोच के कमा रहा हूँ कि मैं उनके लिए वहां पे कुछ मदद कर पाऊंगा, कितना बड़ा फूल हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल विचार है, कई लोगों को तो मजा आता है कि इतना पैसा कमा के यहाँ जाओ, ना मुझे उतना पैसा चाहिए लाइफ में, मेरा अलग ही इंटेंट है लाइफ का, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देयर फॉर वेन द जॉब ऑफर ऑल्सो कि मैं पोलाइटली डिक्लाइंड इट, सेकंड मेरी माँ का इलाज चल रहा है, मेरी माँ और मेरे पिताजी 20 साल रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लाइक दे हैव ऑलरेडी क्रॉस 50, 20 से 25 साल, इवन इफ दे आर स्टेइंग इन एक्चुअल टर्म्स, इफ यू कैलकुलेट आधा टाइम आप सोते ही रहते हो लाइफ में, 1/3 ऑफ द टाइम, सो दे आर नॉट गोइंग टू, मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था, 15 दिन मैं उनके साथ रहूंगा लाइफ में, 15 दिन में लाइफ में रहता हूँ, 20 टोटल साल हैं जब मैं रहूंगा, तो टोटल मिला के 300 दिन हुए ऐसे, मान लीजिए वो 30 साल भी जीते हैं, 400 दिन हुए, 400 दिन में वो 1/3 ऑफ द दिन तो सोएंगे ही, तो 1/3 अगर सोएंगे और बुढ़ापे में और नींद आएगा, तो मान लीजिए 150 दिन सोते हैं तो बचे 250 दिन, 250 दिन में सब अपना काम करते हैं 1/3, तो बचा कितना दिन, ऐसे जोड़ते जोड़ते मुझे समझ में आया कि मेरे पास 1 साल से भी कम है, मतलब मेरे पास 100 दिन या 110 दिन इफेक्टिव आवर्स हैं जब मैं अपने माँ बाप के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इस परिस्थिति में मैं लंदन में रह लूँ, मैं कहीं और जाके रह लूँ, ये मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं ही होऊंगा, और जो लोग रह रहे हैं उनको वो चीज़ वो कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, दे वांट टू स्केप दैट कैलकुलेशन, आई डोंट वांट टू स्केप इट, आई एम माई हेयर टॉकिंग टू यू ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी मच एग्रेसिव अबाउट इट, आई हैव टू लिव विद देम, इवन आई एम नॉट टॉकिंग विद हर, और वो चली गई बट मैंने उनको टाटा कर दिया, मैंने उनको देख लिया और वो मुझे देख ली, तो देर इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कनेक्ट कि ठीक है शी इज़ विथ मी, शी इज़ हेयर, शी इज़ ओके, तो वो मुझे डर लगता है, तो वो मैं बोल दिया उनको कि मैम मेरे को प्रॉब्लम है, आई कांट स्टे, पीपल हैव देयर ओन ड्रीमी इमेजिनेशन ऑफ लंडन एंड फॉरेन प्लेसेस, आई डोंट हैव दैट,
हैव ऑलरेडी सीन द रियलिटी देयर। तो बोली व्हाट रियलिटी यू सॉ, तो मैंने बोला कि जब मैं सुबह में ट्रैवल करता था वहाँ पे स्ट्रीट पे, तो लोगों को साफ सफाई वाह कितना क्लीन है लगता था, मुझे लगता था इतना क्लीन है कि कोई इंडियन भी नहीं दिखता है मुझे। तो बोली कि बट इंडियंस आर देयर राइट, मैंने बोला मैम एक दो इंडियन को इंडियन आप थोड़ी ना बोलोगे, मुझे अपने लोग देखता हूँ मैं, अपनी मिट्टी का जब मैं अपना धूल भी दिखता है मुझे तो वो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने देश में हूँ। और दिस इज माई ऑनेस्ट कन्फेशन, मुझे ऐसा फील होता है, इट इज़ नॉट कि मुझे स्वच्छ भारत अभियान से कोई प्रॉब्लम है, आई जस्ट फील कि हाँ बारिश पड़ा मिट्टी की खुशबू आई मज़ा आया भाई लाइफ में। तो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड मैम, तो मैम को मैम बोली लेके जाओ मम्मी को, तो मैंने बोला मैम मैं खुद नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप जो बूढ़े हो जाएंगे, प्लस मैं ये नहीं बोल पाया देयर इज ऑल्सो अ लॉ कि आप पेरेंट्स को जो भी डिपेंडेंट आप पे हैं आप उनको 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, यू कैन ओनली हैव ए विजिटिंग वीज़ा, मतलब आप परमानेंट उनका नहीं लगा पाएंगे।